नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति और हमारे साथ मौजूद है वेब दुनिया के संपादक जयदीप करनी जी। हमारा आज का विषय है नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं। पिछले 13 महीनों में 12 विदेश यात्राएं कर नरेंद्र मोदी 19 देश घूमे हैं, आखिर इनका कोई लाभ नजर आता है? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपका कोई राष्ट्र प्रमुख है तो उसमें लाभ हानि से ज्यादा उसमें रणनीति शामिल होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति शामिल होती है और इस पर लगातार सवाल किए जाते रहे। और हाल ही में एक आरटीआई कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आरटीआई के जरिए भी बहुत सारी जानकारियां हासिल की है कि कितने करोड़ रुपए उनकी यात्रा पर खर्च हुए। जहां तक कितने देश वो गए हैं तो मुझे लगता है कि जितने देश मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल के पहले साल में घूमे थे, जो यूपीए का दूसरा कार्यकाल था उनका, उससे लगभग एक देश ही ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। तो इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है उसको अपने विभिन्न जवाबदारियों के चलते हुए इन देशों में जाना पड़ेगा। इनकी यात्रा में अंतर क्या है? इनकी यात्रा में अंतर यह है कि जितनी चर्चा नरेंद्र मोदी जी की यात्राओं की हुई है उतनी पहले के प्रधानमंत्रियों की नहीं होती रही है, चाहे फिर वो नरसिम्हा राव हो या गुजराल जी हो या कोई, उनके तो छोटे भी रहे कार्यकाल। लेकिन जैसा कि एक नेहरू जी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बड़े नेता के रूप में देखा जाता था, उसके बाद हिंदुस्तान ने ऐसा लगातार कोई बड़ा, इंदिरा गांधी थी उनकी चर्चा अंतरराष्ट्रीय फलक पर ज्यादा हुई, राजीव गांधी ने भी अंतरराष्ट्रीय फलक पर थोड़ा अपना तेज दिखाया, लेकिन उसके बाद हम ये महसूस करते रहे कि ऐसा कोई नेता जो दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा रह सके और हिंदुस्तान की बेहतर, और इसका प्रचार भी बहुत किया गया, जो कि कांग्रेस भी कहती कि आप एक पीआर पार्टी हैं, आप केवल प्रचार करते हैं। मेरा सवाल उनसे है कि आपको किसने रोका था? जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जाते थे उनको एक बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेट माना जाता है, एक डिप्लोमेट भी माना जाता है, लेकिन आपको एक डिप्लोमेट के साथ साथ एक स्पोक्स पर्सन भी होना चाहिए। तो वहां पर जाकर कहीं ना कहीं उनका जो एक माइल्ड इंपैक्ट था वो हिंदुस्तान की छवि को भी माइल्ड करता था, और इनका जो एक थोड़ा सा तेज, कोशिश करते हैं कि अपनी बात तेज के साथ रखें, उसको एक इवेंट में तब्दील करें। अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर में जो कुछ भी हुआ वो ऐतिहासिक है, हिंदुस्तान में 26 जनवरी की परेड में वहां के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने वो इतिहास है। आप ये भी देखिए कि विदेश की जो यात्राएं की हैं उसमें कूटनीति का किस तरीके से ध्यान रखा गया है, उन देशों की ओर ध्यान देने की कोशिश की गई है जिन देशों की ओर संभवतः हमने पहले कम ध्यान दिया था। हमने कोशिश की है कि अपने सबसे पहले पड़ोस को शामिल किया जाए, भूटान जा रहे हैं आप, नेपाल जा रहे हैं, उन्होंने कोशिश की कि वो जापान जाए, वो चीन गए। तो हम जब अपने पड़ोस से सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रख पाएंगे तब हम कैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत शक्ति बनकर उभर पाएंगे? और इसीलिए दुनिया कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान को अलग नजरिए से देखिए। आप देखिए, सबसे पहला जो कदम था उनका जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 16 मई की ऐतिहासिक जीत के बाद 2014 की, 26 मई को जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें सार्क के सभी देशों को, दक्षिण देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। ऐसी सोच किसी प्रधानमंत्री ने पहले क्यों नहीं दिखाई? आपको किसने रोका था? तो मुझे ये कहना है कि लाभ हानि के चश्मे से देखने की बजाय ये देखना चाहिए कि हमने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि बनाने की जो कोशिश की है वो बेहतर है या नहीं है। इसको आप लगातार वो बाहर रहते हैं इस नजरिए से या काफी खर्चा कर रहे हैं इस नजरिए से नहीं देख सकते हैं। क्या इन यात्राओं के जरिए नरेंद्र मोदी अपने देश की छवि को और उज्जवल बना पाएंगे? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि छवि बहुत उज्जवल हुई है, लेकिन कोशिश हुई है और वो कोशिश किसी देश में कामयाब हुई है और किसी देश में नहीं हुई है। जैसे कि हम चीन के यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष को बुला पाए, हम लोग चीन गए, लेकिन चीन के साथ जितने सौहार्दपूर्ण संबंध इसकी वजह से हमें बना पाने थे वो नहीं बन पाए, क्योंकि लखवी को लेकर संयुक्त राष्ट्र में जो स्टैंड चाइना ने लिया है वो चौंकाने वाला है। तो अगर आप उनको यहाँ बुला पाए हैं, अपने गृहनगर में गए हैं, वहां आप उनके गृहनगर में गए हैं और उस वजह से एक जो तालमेल बनने की बात सामने आई थी वो तालमेल फिर जो नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं वहां पर दिखाई देना चाहिए। लखवी को लेकर चीन ने जिस तरह का, हालांकि उसकी अभी भर्त्सना भी की है, उसकी शिकायत भी की गई है चीन से, लेकिन अगर हमने इस तरह के कदम उठाए हैं तो उस तरह के लक्ष्यों तक पहुंचने की भी कोशिश होनी चाहिए जिनको हासिल करने के लिए यात्राएं की गई। तो लखवी को लेकर चीन ने जो अपना रुख रखा है वो निश्चित चौंकाने वाला है। इन यात्राओं के बाद हमारी कोशिश थी कि चीन के रुख में तब्दीली आए पर वो नहीं आ पाई है। इसी तरह बाहर जो गए हैं, नवाज शरीफ से मिले हैं, नवाज शरीफ जी से बात हुई है और रूस के उफा में बातचीत होती है और वहां बात होती है कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे और भारत को सहयोग करेंगे, लेकिन सीमा पर फिर से जो है उल्लंघन किया जाता है सीज फायर का और गोलीबारी की जाती है। तो मुझे लगता है कि वहां उतनी सफलता नहीं मिल पाई है जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी भूटान और नेपाल से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की गई है, जापान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और जब जापान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो चीन को भी संदेश देने की कोशिश की है कि हमारा एक पुराना मित्र हमारे साथ है जिसकी तरफ हम हाथ बढ़ाकर संबंध बेहतर कर सकते हैं। तजाकिस्तान की यात्रा करना, ऐसे देश में जाना जहां पर बहुत ज्यादा रडार पे नहीं रहा है, जहां पर इस तरह की महत्वपूर्ण यात्राएं नहीं हुई हैं, मुझे लगता है कि
छोटी महत्वपूर्ण और रणनीतिक यात्राएं हैं जिसके जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है, देश की छवि उज्जवल हुई या नहीं, हमें पूरी पूरी कूटनीतिक सफलता मिली या नहीं मिली, इसका ठीक ठीक आकलन करने में और भी वक्त लगेगा जब वो देश हमारे प्रति अलग अलग नीतियों के जरिए अपना रुख स्पष्ट करेंगे। क्या मोदी जी की ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने की कोशिश है? इसे कहा मतलब ये तो मुझे नहीं लगता कि इस बात में किसी भी तरह का कोई दुराव छुपाव है कि नरेंद्र मोदी जी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और उनकी महत्वाकांक्षा उनके हर कदम में परिलक्षित भी होती है, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो किस तरह की के प्रयास करते हैं, किस तरह के एफर्ट्स अपनी ओर से लगाते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रही, महत्वाकांक्षा रही, तो उसको पूरा करने की दिशा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भीतर, गुजरात के भीतर काम किया, अपनी तरफ से ऐसी रणनीतिक कोशिशें की कि जिसकी वजह से वो उस लक्ष्य तक पहुँच पाए। वो आडवाणी जी के पार्टी में होने के बावजूद भी पहले प्रचार के प्रमुख बने, उसके बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, फिर प्रचार में उन्होंने अपने आप को झोंका और ऐतिहासिक महाविजय भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को प्राप्त हुई। उसी तरीके से अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अगर उनकी ख्वाहिश है तो कोई केवल चाह लेने भर से विश्व नेता नहीं बन सकता। विश्व नेता बनने के लिए एक तो सही कोशिशों की जरूरत है और उन कोशिशों से मिलने वाले जो परिणाम है उनकी भी जरूरत है। अब वो कोशिश कर रहे हैं, परिणाम मिलेंगे कि नहीं ये उनके हाथ में नहीं है, किसी भी व्यक्ति के हाथ में कोशिश करना है और अगर उनकी इच्छा है और इच्छा सकारात्मक है तो इसमें बुराई नहीं है। सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है कि आखिर विदेश में जाकर गुर्राने वाले मोदी जी अपने देश में होने वाले मुद्दों जैसे ललित मोदी या व्यापम घोटाले पर आखिर चुप क्यों हैं? निश्चित तौर पर इन बड़े मसलों पर उनकी चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है और वो जितने मुखर हैं, जिस तरीके से वो अलग अलग मंचों के माध्यम से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, वो ट्विटर पर भी एक्टिव हैं, वो मन की बात भी करते हैं रेडियो पर, लेकिन मन की बात वाला जो संवाद है वो भी एक तरफा है, वो जो कहते हैं वो देश सुनता है, ट्विटर पर वो जो लिखते हैं वो देश और दुनिया पढ़ती और समझती है, लेकिन उनसे सवाल किए जा सके ऐसे मंच कम हासिल हो पा रहे हैं और जिन मुद्दों पर उनसे अपना रुख स्पष्ट करने की अपेक्षा है, जैसे कि इतना बड़ा ललित मोदी को लेकर विवाद हुआ, सुषमा स्वराज जी का और सिंधिया का नाम आया, वसुंधरा राजे सिंधिया का, और दोनों ही बड़ी नेता हैं, एक एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, दूसरी आपकी विदेश मंत्री हैं, और इन दो बड़े नेताओं का नाम घसीटे जाने के बावजूद प्रधानमंत्री जी की ओर से अगर कोई बयान नहीं आया है तो निश्चित तौर पर ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी ओर वही व्यापम घोटाला है, उसमें आपके एक और मुख्यमंत्री शामिल हैं, वो मुख्यमंत्री जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से हैट्रिक बनाई है मध्य प्रदेश में, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले वो पहले नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण सूत्रधार रहे हैं और एक कमोबेश साफ छवि वाले मुख्यमंत्री माने जाते रहे हैं, लेकिन अब उन पर आरोप यह भी लग रहे हैं कि उन्होंने व्यापम घोटाले को दबाने की कोशिश की है। और इन दोनों ही जो बड़े कांड हुए, ललित मोदी हो या व्यापम घोटाला हो, जो आखिरकार सीबीआई के पास चला गया है, तो इन दोनों को लेकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की छवि को ठेस लगी है और उसको लेकर कोई ना कोई बयान प्रधानमंत्री की तरफ से अपेक्षित है। मुझे लगता है कि संसद का जो मानसून सत्र है यह अहम रहेगा, क्योंकि विपक्ष की एक बड़ी मांग रहेगी कि मुद्दों पर प्रधानमंत्री जवाब दें। वेब वार्ता के जरिए हमारी कोशिश होती है कि ताजा तरीन मुद्दों की गहराई को हम अपने दर्शकों तक सीधे पहुंचा सके। फिलहाल वेब वार्ता में इतना ही। लगातार खबरों और नई जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।